Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. 17 साल की उम्र में ही एक लड़का वेनिस से दुनिया घूमने निकल जाता है और यूरोप से पूरब को आने वाला पहला ट्रैवलर कहलाता है, मार्को पोलो। इन्हें कौन नहीं जानता? वो भारत में सबसे पहले कहां गए? मोती खोजने का कौन सा अनोखा तरीका यहां देखा? और जब पायरेट्स उनके पीछे पड़ गए तो उन्होंने क्या किया? आइए देखते हैं। मार्को पोलो के पिता एक बड़े व्यापारी थे और कारोबार के सिलसिले में उनका अलग अलग देशों में आना जाना होता रहता था। वो मंगोल के शासक कुबलई खान, जो कि चंगेज खान के ग्रैंडसन थे, उनके साथ व्यापारिक संबंध बेहतर करना चाहते थे और इसलिए वो 17 साल के मार्को को लेकर मंगोल के दौरे पर निकल गए। इस तरह मार्को की हिस्टोरिक जर्नी की शुरुआत हुई। वो शुरू से ही बहुत तेज और गुणवान थे और मंगोल पहुंचते पहुंचते उन्होंने 4 भाषाएं सीख ली, टर्किश, पर्शियन, अरबिक और मंगोल। कुबलई खान उनकी भाषाओं के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी कैबिनेट में अधिकारी पद दे दिया। अब मार्को का काम था कुबलई खान का दूत बनकर सेंट्रल एशिया के देश और साम्राज्यों का दौरा कर उनसे समझौता करना। ये काम उन्होंने 16 साल तक बखूबी किया और उसके बाद वापस वेनिस जाने की इच्छा जताई। कुबलई खान ने उन्हें इजाजत दे दी। मार्को ने तय किया कि वो वापस लौटते समय भारत को देखते हुए घर जाएंगे। वो भारत दक्षिणी छोर से गए और 1292 में अंडमान और निकोबार आइलैंड पहुंचे। मार्को अंडमान के बारे में लिखने वाले पहले इंसान माने जाते हैं। वो बताते हैं, अंडमान में कोई राजा नहीं था। वहां के निवासी एक सांझे समाज की तरह द्वीप को चलाते थे। निवासियों ने धागा या कपड़ा बनाना भी नहीं सीखा था और खुद को ढकने के लिए सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करते थे। अंडमान से मार्को तमिलनाडु के कोरोमैंडल कोस्ट गए। मार्को जब तमिलनाडु के तट पर पहुंचे तो उन्हें कुछ लोग दिखे जो बोट पर खड़े होकर मंत्र उच्चारण कर रहे थे। उनकी जादू टोने में रुचि थी तो वो उनके पास गए और उन्हें मोती कैसे खोजे जाते हैं इसके बारे में पता चला। मंत्र उच्चारण करने वाले लोगों को कड़ल कट्टी कहते थे और ये मंत्रों की ताकत से शार्क मछलियों को दूर रखते थे और गोताखोर इसी वक्त डुबकी लगाकर समुद्र की गहराइयों से सीप चुनते थे। हर 20 मोती जो वो चुनते थे उनमें से 2 वो कड़ल कट्टी को देते थे उनकी सर्विस के लिए। मार्को बताते हैं कि मोती खोजने का ये सिलसिला गर्मियों के सिर्फ 2 महीने ही चलता था, मगर इतने से समय में विश्व भर के मोतियों की मांग पूरी कर ली जाती थी। मार्को फिर तमिलनाडु के दूसरे तट गए, थूटकुड़ी। तमिलनाडु उस समय माबर साम्राज्य का हिस्सा था जिस पर पांड्यंस का राज था। पांड्यन राज्य प्राचीन तमिलनाडु के 3 महान साम्राज्यों में से एक था, बाकी 2 थे चोला और चेरा। पांड्यन राज्य को 5 भाई चलाते थे और वो 5 अलग क्षेत्रों के शासक थे, लेकिन मिलकर राज करते थे। जो भाई मदुराई, जो कि राजधानी थी, उसका शासक था, उसे राजा माना जाता था। जिस दिन मार्को ने राजा को दरबार में देखा तो उनके आभूषण को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। राजा हीरे, मोती, सोने से बिल्कुल लदे हुए थे। वो बताते हैं कि राजा के आभूषणों की कीमत पूरे राज्य की संपत्ति जितनी होगी। पांड्यन राज्य का एक वसूली से जुड़ा कानून मार्को को बड़ा मजेदार लगा। उन्होंने देखा कि एक आदमी दूसरे आदमी के चारों ओर एक घेरा बना रहा है। पूछने पर उन्हें पता चला कि कानून के मुताबिक जब उधार लौटाने का समय खत्म हो जाए तो उधार देने वाला कर्जदार के चारों ओर गोला बना देता है। अब कर्जदार उस घेरे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता जब तक वो कर्ज लौटा ना दे, और अगर उसने ऐसा किया तो उधार देने वाला उसके साथ जो चाहे करे, उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती थी। 13वीं सदी में सफर करना इतना भी आसान नहीं होता था। समुद्री डाकुओं का खतरा हमेशा बना रहता था। एक बार मार्को पोलो भी इनके चक्कर में आ गए। मार्को ने शिप को भगाया, लेकिन पायरेट्स भी बहुत चालाक थे। उनकी कई शिप समंदर में एक के पीछे एक तैनात थीं। वो अब पायरेट्स के आमने सामने थे। क्या हुआ उसके बाद मार्को का? क्या किया उनका पायरेट्स ने?
क्या वो समंदर से जान बचाकर जा पाए? जानने के लिए देखिए इस एपिसोड का पार्ट 2।